हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजे मनीराम। आज हम आपको दिखाएंगे थार डेजर्ट कैंपेनिंग। यहाँ पर आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे झोंपड़े बने हुए हैं, और ये इधर पीछे सैंड ड्यून बना हुआ है, और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, और साथ में यहाँ पर आपको मिलती है डेजर्ट सफारी भी। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये है जयपुर रोड और आगे है रायसर गांव, और ये इधर रास्ता जाता है डेजर्ट एडवेंचर की तरफ। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये पूरा कच्चा रास्ता है। ये रायसर गांव है, वो बीकानेर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तो अभी चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये एडवेंचर तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो पूरा कच्चा है। तो यहाँ पर बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह चलना इतना आसान नहीं है। तो फिर भी चलते हैं, देखते हैं, और साथ में ही लेते हैं स्कूटी की ऑफ रोडिंग का मज़ा। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। दोस्तों, एक तो कच्चा रास्ता और ऊपर से गायों के चलने के कारण है, और रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण स्कूटी की ऑफ रोडिंग है वो इतनी आसानी से नहीं हो पा रही है, या स्कूटी को चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और साथ में ही ये यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट वीड प्लांट लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं रास्ते के जो दोनों ओर है वो कीप के प्लांट लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और आगे भी ये बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंप बने हुए हैं और उन कैंपों के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो आप कौन से भी कैंप के अंदर रुक सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जो लास्ट में और सबसे ऊंचाई पर स्थित कैंप है उसके ओर। तो दोस्तों, अभी आ चुका है कैंप का रास्ता। तो यहाँ से होती है कैंप के अंदर एंट्री, और जो आपको सामने बहुत ही बड़ा सारा सैंड ड्यून दिखाई दे रहा है, इस सैंड ड्यून के ऊपर ही बने हुए हैं बहुत सारे कैंप। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर की ओर। तो ये भी रास्ता दोस्तों बहुत ही ख़राब है, बहुत सारे गड्ढे हैं जिसके कारण कैमरा है वो हिल रहा है। तो चलते हैं अभी ऊपर की ओर, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बहुत सारे झोंपड़े बने हुए हैं। तो अभी एक बार चलते हैं ऊपर की ओर, और आते टाइम आपको बताएंगे वापस ये यहाँ पर क्या बना हुआ है पूरा सिस्टम। तो अभी एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं वहाँ पर क्या बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है पूरा दृश्य डेजर्ट कैंप का। तो यहाँ पर आप बिता सकते हैं एक रात, और एक रात का जो चार्ज है यहाँ पर बिताने का वो है 3,000 रुपये, और इस 3,000 रुपये
के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था, इसके साथ साथ नाइट का डांस प्रोग्राम और कैमल सफारी, जीप सफारी, और इसके साथ साथ यहाँ के सैंड ड्यून का रात का दृश्य, तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं। और जो आपको सामने ये झोंपड़े और एक ये जो मकान दिख रहा है, यहाँ पर डिनर कराया जाता शाम को, और ये झोंपड़े हैं इनके अंदर है वो आप रह सकते हैं रात को, या पर यहाँ पर तंबू तांग कर भी आप रात में रह सकते हैं। तो अभी चलकर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ट्रैक्टर और दो जीपें खड़ी हैं, इनमें आप कर सकते हैं जीप सफारी, और ये पूरा दृश्य है यहाँ का। और ये यहाँ पर आपको डिनर कराया जाता है नाइट में, और ये एक स्कूटर भी है ऑफ रोडिंग के लिए, शाम को यहाँ पर आप कर सकते हैं इससे ऑफ रोडिंग भी। दोस्तों यहाँ पर होता है नाइट में डांस प्रोग्राम राजस्थानी फ्लोक सॉन्ग पर, यहाँ पर राजस्थानी डांस किया जाता है, और यहाँ पर बैठकर आप डिनर के साथ साथ नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से दिखाई देता है चारों ओर डेजर्ट ही डेजर्ट, तो शाम को यहाँ पर नज़ारा है और ही शानदार दिखाई देता है। और यह आप देख सकते हैं कितना बड़ा सैंड ड्यून है, जो आपको कैमरे में तो शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, परंतु यदि आपको इसे देखते हैं अपनी आँखों से तो ये बहुत बड़ा है, जिस पर चढ़ पाना ही बहुत मुश्किल है। और ये इधर लगी हुई है टेबल वगैरह, दोस्तों ये यहाँ पर खड़ी हैं जीपें, इन्हीं के अंदर जीप सफारी कराई जाती है, और ये यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, और ऊपर ये इधर एक झोंपड़ा बना हुआ है, तो चलकर देखते हैं क्या बना हुआ है वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी नाइट में डांस वगैरह किया जाता है, यहाँ पर ये पूरा फ्लोर बना हुआ है, यहाँ पर स्पीकर पड़े हैं, और इस फ्लोर से या इस स्टेज से चारों ओर का नज़ारा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं इस पूरे सैंड ड्यून का नज़ारा। और दोस्तों ये यहाँ पर लकड़ी के खंभों पर एक लगा हुआ है झूला, तो यहाँ पर आप झूले का आनंद भी ले सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर नए बने हुए झोंपड़े हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितने कलरफुल झोंपड़े हैं, और इनके सामने भी एक स्टेज बनाया गया है। और यहाँ पर कराई जाती है दोस्तों जीप सफारी, तो भी आप देख सकते हैं इस शेंडून से नीचे उतारी जाती है जीप को, तो यहाँ पर आप जीप सफारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं दूसरे कैंप की तरफ, ये यहाँ पर पूरा बंजर है,
और इस बंजर के अंदर गाय है वो चर रही है, और इस बंजर के बाद में एक सेंड्यून है, उस सेंड्यून के ऊपर ही बना हुआ है ये कैंप। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यह यहाँ पर गायें चर रही है और सामने आपको सेंड्यून के ऊपर कैंप लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसी कैंप के तरफ अभी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर अलग टाइप के कैंप या झोंपड़े बने हुए हैं जो काफ़ी दूरी पर स्थित हैं, और बहुत सारे यहाँ पर ये झोंपड़े हैं, और आगे यहाँ पर भी डिनर करने की व्यवस्था है रात में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इस पूरे कैंप का दृश्य, और ये इस साइड में बने हुए हैं बहुत सारे झोंपड़े जैसे, और उनके नीचे कुर्सियाँ लगाई हुई है, और ये यहाँ पर नाइट में डिनर करने की व्यवस्था है। यदि आप अंदर बैठकर इसके डिनर करना चाहते हैं तो इसके अंदर बैठ कर डिनर कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर बाहर भी बहुत सारी हैं जो आपको ये झोंपड़े टाइप में दिखाई दे रहे हैं या तंबू टाइप में दिखाई दे रहे हैं। इनके नीचे भी ये आप देख सकते हैं बहुत सारी जो टेबल और कुर्सियाँ हैं वो पड़ी है, तो यहाँ पर भी आप नाइट में रोक कर खाना खा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये एक साथ यहाँ पर कई झोंपड़े हैं वो बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।